लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आई एम चैलेंजिंग द संदेश, और मैं आपको पूरा चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप ये प्रूव करके दिखाइए कि 46 ऑर्गेनाइजेशन ने उनको फतवा दिया है। आई हैव दिस हैंडबिल, और आप यहां पे बार बार फ्लैश करके ये बता रहे हैं कि वहां पे दीवालों पे पोस्टर चौंटाए गए फतवे के। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि फतवे दीवार पे चौंटा के नहीं दिए जाते। यहां पे मौलाना साहब मौजूद है, ये हमको डिटेल में बताएंगे। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, आप मेरे को 30 सेकंड और दीजिए, आई विल गिव माई एक्सप्लेनेशन। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, दीवार पर फतवे नहीं छोटाए जाते, और ये सिर्फ एक मीडिया का हवा बनाया गया है बार बार, और इंडियन मीडिया के लिए ऐसे सीधे साधे मुसलमान तो एक पंचिंग बैग बन गए, जहां भी होता है उनको लाके खड़ा कर देते हैं। आई एम चैलेंजिंग, इट इज नॉट ए फतवा, और आप कहीं से भी ये प्रूव नहीं कर सकते। ये सिर्फ मेरे पास उसका लेफलेट में लेके आया हूं, ये इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है आसामी लैंग्वेज में, आपने भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता दूं, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है, हेडिंग ये है कि बिरादराने मिल्लत से एक स्पेशल रिक्वेस्ट, और उसमें यह कहा गया है कि हमारे आबाओ अजदाद बहुत गरीब थे, उसके बाद आज हम कमाने लगे हैं, तो हमने अल्लाह के रास्ते को छोड़ दिया है, और यह म्यूजिक ऐसी चीज है जिससे इंसान अल्लाह के रास्ते से भटक जाता है, ड्रग्स अल्कोहल ये सारी चीजों से भटक जाता है, ये हमारी सोसाइटी के खिलाफ है, और इसलिए हमें नहीं करना चाहिए। फर्स्ट करेक्ट योर सेल्फ के नसरुल्लाह साहब, फतवा इट वाज नॉट ए फतवा, नसरुल्लाह साहब सूफी संगीत छूटे जवाब आप ना आप आपको छूटे यू आस्क फॉर 30 seconds no, no, no. 30 seconds has been but I am correct you I am answering you but listen to me it was not a fatwa first correct yourself and you cannot prove I am challenging it but is ये बात बराबर है पर इस्लाम में घनी बड़ी वस्तुओं हराम छे इस्लाम में घनी बड़ी वस्तुओं हराम छे एनो झंडो उपाड़ी ने केम नहीं फरका तो पछी देखिए एक मुसलमान का ये पूरा कायदा है अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाता है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 110 में कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए बर्पा की गई हो भलाई का हुक्म देती हो बुराई से रोकती हो हमें किसी पे बंदूक पे सर पे बंदूक रख के ऐसा नहीं बताना है कि भाई ये काम बंद कर दे हमारा काम ये है कि हर बुराई को देख के हम उसके खिलाफ बोलते हैं और आपका ये तो ये मामला ये होता है कि आपको जो चीज पसंद आ जाती है वो आप लेके उसको मीडिया का इश्यू बनाते हैं नहीं मीडिया का इश्यू बनाने वाली बात नहीं मैं आपको बता रहा हूं अधिकार नहीं मानव अधिकार की बात बता रहा हूं नाम रोशन करो अगर देश नु नाम रोशन विरोध था तो लिसन टू मी मैं आपको यही बता रहा हूं कि आप देखिए आप ये दिखरी दिखरी की बात कर रहे हैं ना कल यूरोपियन कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि मुस्लिम औरतें वो अपने एम्प्लॉयर के पास अगर जॉब कर रही है तो हिजाब में नहीं जा सकती आप उसको इश्यू क्यों नहीं बनाते एक वस्तु मैंने कहो दारू पीवो इस्लाम में कायदेसर छे नहीं छूट छे कुरान में क्लियरली लिखा है सूरह मायदा आयत नंबर 90 के अंदर इट इज टोटली प्रोहिबिटेड बराबर हां मैं ये शैतान का रास्ता क्या है तुम्हें आ मुद्दा उठावे अत्यारे तुम्हें जे अत्यारे गर्म जोशी थी जोर शोर थी बोल रहे हो आ मुद्दा क्या रे उठावे एनो परिणाम क्या रे आवे यस आप परिणाम तो इसका भी नहीं आता साहब परिणाम तो इसका भी नहीं आता आप YouTube पे चले जाइए मोइनुद्दीन इब्न नसरुल्लाह सर्च कीजिए वी आर ऑर्गेनाइजेशन वी आर रनिंग ए कैंपेन और हम ये सारे इश्यूज पे बात करते हैं खास करीने जे वात तेमणे करी के दरेक व्यक्तिए पोतानो हक राखवानी वात छे पोतानी जे नजरियो छे ते राखी शके छे पोतानी वात राखी शके छे पोतानी मर्जी थी जीवी शके छे अने साथे जे म्यूजिक कम्पोजिशन नी वात करी बॉलीवुड ना कनेक्शन नी वात करी शुं कहेशो आप आ बाबते देखिए पहली बात तो ये कहना चाहूंगा जफर भाई की बात से मैं 100% एग्री हूं किस बात पे कि उन्होंने ये कहा भाई देखो ये डेमोक्रेसी और मैंने इससे पहले के जवाब में भी कहा कि हम यहाँ पे किसी को फोर्सफुली नहीं कह सकते लेकिन आप जो वर्ड बोल रहे हैं ना जरा उस पर खुद आप देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हर इंसान को बोलने की करने की आजादी है भाई कोई इंसान कुछ कर रहा है तो मेरे को ये आजादी है कि वो गलत कर रहा है तो मैं बोलूं पर साहब भैया सवाल ये था ही छे सवाल अहियां नहीं सब सवाल सांभळवानी थोड़ी आदत राखो साहब सवाल अहियां ये था ही छे कि जारे बात आवे छे सलमान खान नी दिलीप कुमार नी मोहम्मद रफी नी त्यारे कोई विरोध नहीं करतु सलमान खान नु पिक्चर पड्यू भाई का दो टिकट देना पहली लाइन में उभारी ने टिकट लेवा जाओ छो जारे कोई छोकरी मुस्लिम छोकरी आगर आवे छे पछी वात होय सानिया मिर्ज़ा नी के पछी वात होय जारिया वसीम नी ई आगर वत्ती देखाय छे त्यारे के मैं नो विरोध छु मुस्लिमों ने हमेशा मुस्लिम स्त्रियों ने एक आ पुरुष प्रधान समाज पर्दा नी पाछळ ज राखवा मांगे छे आगर वधे पोसातु नथी के जोवातु नथी यस यू आर देखो मैं आपको ये बताना चाहूंगा आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं ये बात बिल्कुल बेसलेस बोल रहे हैं कि जो मुसलमान अगर क्या कहते हैं इसका जारिया आई एम सॉरी क्या नाम था इसका नाहिद का विरोध कर रहे हैं अगर वो लोग जाके सलमान खान की मूवी लाइन में लग के देख रहे हैं दे आर हिपोक्रिट
ये दे आर हिपोक्रेट। लेकिन आप ये मत बोलिए कि आप सलमान खान को देख रहे हो, ऐसा नहीं है भाई। मैं अगर अपोज कर रहा हूँ तो मैं सारी चीजों का अपोज कर रहा हूँ, और मैं आपको क्लियर कट इस्लाम की रूलिंग देख रहा हूँ। देखिए, मैंने इससे पहले आपको कहा इस्लाम क्या है, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। इस्लाम यह है कुरान और हदीस, सही बुखारी हदीस नंबर 5590 अल्लाह के रसूल मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेड के म्यूजिक इज हराम। सवाल आप क्या है, ये मत बहस कर। सवाल अइया ए थाय के तो पछि जो आप जे बात कही रहा छो इस्लाम विषय नी, तो पछि जे मैं आपने पहला पण कह्यु कि जे एक्ट्रेसेस पहला थई गई अथवा तो अत्यारे पण छे, जे एक्टर्स छे, जे गायको छे, आतिफ असलम छे, आ बधानो विरोध केम नथी થતો? કવાલી ની મ્યુઝિક આપ કહો છો કે ઇસ્લામ માં હરામ છે, દરગાહ ની અંદર ખૂબ સુંદર કવાલીઓ ગવાતી હોય છે, ખૂબ સુંદર રીતે સૂફી સંગીત ગવાતું હોય છે, અલ્લાહ ના ઘર માં ગવાતું હોય છે, અને આપ કહો છો કે ઇસ્લામ માં સંગીત અલાઉડ નથી, આ કેવી વાત? જી મેરા મેં આપકો યે કહે રહા હું કે સબ પૂછ રહા આપ જી આપને मैं आपको ये क्लियर कट कह रहा हूँ, इस्लाम की रूलिंग दे रहा हूँ मैं आपको। अब जो लोग ये काम कर रहे हैं आप उनसे जाके पूछिए। नसीमुद्दीन आप शुक्र है सवाल आपत है। हदीस नंबर 5590 अल्लाह के रसूल कहते हैं म्यूजिक इज हराम, फिर फिनिश हो जाती है। नसीमुद्दीन जी आप उन्हें दिया जा रहा है जहाँ तक उनको जाए। नसरुल्लाह साहब ने आप बुलवा दीजिए प्लीज। मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि 1400 इयर्स अगो जहाँ पे औरतों को जीने का अधिकार नहीं था, मुसलमान औरतों को जितना हक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सोशियो पॉलिटिक्स, आई स्टडीड, मैं सारे ये सारी आप स्टडीज को लेके देख लीजिए, अल्लाह के रसूल ने जो हक औरतों को दिया है वो कोई इज्म ने नहीं दिया है। अरे भाई लेकिन आप पहले हक की बात को समझो। इस्लाम कभी भी औरतों का कमर्शलाइजेशन नहीं चाहता, इस्लाम कभी भी ये नहीं चाहता कि औरतों को सिर्फ एक कमर्शियल कम्युनिटी के तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उनको सुना जाए, उनसे मजा लिया जाए और जब उसके बाद उसको छोड़ दिया जाए। ये इस्लाम मजा लेवानी हमें बात नहीं ना साहब, मजा लेवानी कोई बात नहीं। होता क्या है आप क्या कहते हैं आज मजा लेवानी बात नहीं, आज कोई डिग्री अगर बच्चे क्यों है आप मूवी देखते क्यों? औरतों को कम कपड़े में दिखाकर क्या किया जा रहा है आज औरतों के साथ? आप ये चाहते हैं कि हम एक औरतों को इस तरह कम कपड़े में दिखाकर दुनिया को दिखा? कपड़ा नहीं क्या बात है साहब, तो सिंगिंग टैलेंट की बात है, गला के अंदर जो सरस्वती वसेली है एनी बात है। आप हक की बात कर रहे हैं ना, मैं आपके हक की बात कर रहे हैं ना। तो आजाद भारत नी अंदर दरेक व्यक्ति ने जे प्रमाणे हमरा यहां पे करो ना कि दरेक व्यक्ति रे पोतपोताना हक छे, तो शू आ मुस्लिम दीकरी ने आगळ वधवानो हक नथी? भाई ये मुस्लिम दीकरी जो करना चाहे वो करे, कोई उसको आके दो पछि शा माटे नो विरोध थाय छे? विरोध इसलिए है, अरे भाई मेरे को एक बात बताओ आप। देखो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, कई धर्म ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, लेकिन मंदिर के बाहर जाके मैं खाने लगूं आप अपोज करोगे? नहीं 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 कंट्री नी अंदर एक डेमोक्रेटिक कंट्री नी अंदर आप बात करी थी आप करी सकते आप उसको मंदिर वाले वैसा बोलेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आप क्यों उसको नॉनवेज खाने से रोक रहे हैं? कैन यू से दिस? नो नेवर, क्यों? आपकी आजादी है एक लिमिट तक। मैं आपको कह रहा हूँ जो इंसान जो करना चाहे कर ले, आप इस्लाम के नाम पे लेके अगर बात करेंगे इस्लाम ना नाम ने टारगेट भैया आ दीकरी पोते आगल वधवा मांगे छे तो केम रोकाई छे? यस मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको मेरे भाई, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप देखो थोड़े ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ शी इज फ्री व्हाट एवर शी वॉन्ट्स टू डू, लेकिन अगर आप मुझे यहाँ बुलाए हैं इस्लाम की रूलिंग पूछने के लिए कि इस्लाम का क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये गलत है। इफ शी इज डूइंग डेमोक्रेटिक कंट्री जो એક છોકરી સંગીત ગાય છે, એક ગીત ગાય છે, એનાથી કે પછી આતંકવાદીઓ વિરુદ્ધ નક્સલીઓ વિરુદ્ધ ગીતો ગાય છે, આ દેશની દેશભક્તિ કરે છે, એનાથી તકલીફ તમને શેનાથી છે? મુદ્દો રજૂ કરો। देखो पहली बात तो जनाब मैं आपको बता दूं मेरे पेट में कोई दुख नहीं रहा, मैं एकदम फिट हूं। 46 लोगों ने जी अपना आत्मा जैसे ने अपना आत्मा जैसे 46 लोगों से हमने लेट दुख से मैं बात करूं, यू आर नॉट रेडी टू लिसन मी। मैं ये कह रहा हूं साहब मेरा पेट एकदम अच्छा है, आई एम फिट। लिसन मैं आपको क्या कह रहा हूं, देखिए मैंने आपको पहले कहा इस्लाम वो है जो कुरान और हदीस में लिखा। मेरी बहन अस्मा ने कहा कि ये मोहम्मद पैगंबर के हिसाब से ये म्यूजिक चला आ रहा था, आई चैलेंज हर। मैं आपको चैलेंज करता हूँ अस्मा मैडम, अगर मेरी बात आप सुन रही है तो आप बताइए अल्लाह के रसूल की एक हदीस बता दीजिए जहां अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि म्यूजिक इज अलाउड। मैं आई चैलेंज मैडम, मैं आपको वोट करता हूँ सही बुखारी राम सबसे ऑथेंटिक सही। आप चैलेंज करिए, चैलेंज नो जवाब आप ही रहा छे रसूलुल्लाह साहब, ये चैलेंज नो जवाब आप ही रहा छे, ये चैलेंज
માણસો જવાબ આપી રહ્યા છે. હમણાં તમે થોડી વાર પહેલા જ ડિસિપ્લિન ની વાત કરતા હતા ને, આપનું ડિસિપ્લિન ગુજરાત ની જનતા જોવે છે, આપનું ડિસિપ્લિન ગુજરાત ની જનતા જોવે છે. જી આપની આપનું ડિસિપ્લિન જોવે છે. આપે ચેલેન્જ કરી, એ ચેલેન્જ નો જવાબ આસ્માજી આપી રહ્યા છે. આસ્માજી બોલો, શું કહી રહ્યા છો? દરેક મુસ્લિમ મહિલાએ, દરેક મુસ્લિમ માણસે અને દરેક હિન્દુસ્તાની એ આવાજ ઉઠાવવો જોઈએ અને ધર્મગુરુને અને સમર્થન આપવું જોઈએ, એના વિરુદ્ધ બહાર પાડવા જોઈએ. આસ્માજી એક મિનિટ, અલ્લાનું ઘર જેને કહેવામાં આવે છે, મસ્જિદ ની અંદર જયારે કવાલી ગવાય છે, સુફી સંગીત ગવાય છે, ઇબાદત કરવામાં આવે છે, ત્યારે કેમ વિરોધ નથી કરતા? ત્યાં તમારું સંગીત નું આજે કહી રહ્યા છો કે સંગીત નું જે પ્રતિબંધ છે એ ત્યાં કેમ લાગુ નથી પડતો? તો મેં જવાબ દઉં સાહેબ. જી બોલો. દેખીએ સાહેબ, મેં આપકો ફિર કહેતા હું સાહેબ, આપ તો યહાં પે રહેતે હૈ, પૂરે ગુજરાત મેં ચલે જઈએ, એક મસ્જિદ નહીં બતા સકતે આપ મુજે જહાં પે સંગીત ચલતા હું, એક મસ્જિદ આપ નહીં દિખા સકતે. ઓર મેં બાર બાર આપકો કહ રહા, મેરી બહેન અસ્મા કો ભી કહ રહા હું, અલ્લાહ કે વાસ્તે હાજી અલી બાપ, ઇટ ઇઝ નોટ ધ મસ્જિદ, ઇટ ઇઝ નોટ ધ મસ્જિદ, ઇટ ઇઝ દરગાહ. દરગાહ, દરગાહ ખુદા નું ઘર નથી, દરગાહ માં ખુદા નથી ભાઈ, મસ્જિદ અલ્લાહ કા ઘર, દરગાહ ઇસ્લામ સાથે રિલેટેડ નથી. એક મિનિટ, દરગાહ ઇસ્લામ સાથે રિલેટેડ નથી, દરગાહ માં ખુદા નથી. એક મિનિટ, એક મિનિટ જી, વિવેક કુમાર ઇસમાં, એક મિનિટ, આપ જો દલીલ દે રહે હૈ, ઠીક હૈ, ચલો આપકી બાત માની કે મસ્જિદ મેં સંગીત નહીં ચલતા હૈ, દરગાહ મેં તો ચલતા હૈ, દરગાહ મેં તો કમાલી હોતી હૈ. આપ જાકે દરગાહ કે ટ્રસ્ટી કો પૂછો આપ યે ક્યું કર રહે હૈ. અબે સાહેબ, આ તો આપ પૂછ રહે હો, આ તો હાથ ઘંટે નહીં આપે, અગર વો કમાલી ગા તો આપ હાથ ઘંટે નહીં રાખે, સંગીત ગાયા જા રહા હૈ. અર યાર इसमें दिक्कत क्या है, मैं आपको बताता हूँ. दिक्कत ये है कि जब भी कोई मुस्लिम महिला आगे बढ़ने की कोशिश करती है, जब भी कोई मुस्लिम महिला ये कहती, उसके माँ बाप से तो बड़े नहीं हो आप, और ये फतवा में उसका नाम भी नहीं दिया है, यही तो मैं, माँ बाप से तो बड़े नहीं हो ना, ये फतवा में उसका नाम, माँ बाप चाह रहे हैं कि बच्ची आगे बढ़ना चाह रही है तो बढ़ने दो उसको. आप कह रहे हो, आप हर चीज में, एक मिनट, आप हर चीज में इस्लाम में, मैंने तो इस्लाम नहीं पढ़ा है, लेकिन जो सुना उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको. इस्लाम में कहा है जियो और जीने दो. इस्लाम में मानवता, इंसानियत को सर्वोपरि रखा है मोहम्मद पैगंबर साहब ने, तो इस लड़की को जीने दो ना. अरे कौन मार रहा है भाई, ये फतवा में भी नहीं लिखा है मार डाले. आप मार कौन रहे हो तो बता रहा हूँ, आप उसका किसी को अपना करियर छोड़ने के लिए, आप उसको 46-46 लोग आप उसको विरोध करने के लिए उतर जाओगे तो आप तो उसको बच्चे बोले हूँ बोलो तो तुमने तकलीफ पाए थे. આ પ્રતિભાને મારવાની વાત થઈ રહી છે, આ એક પ્રતીકાત્મક તસવીર છે. જો તમે એનો મર્મ સમજી શકો, શરૂઆતથી તમે કહો છો કે જે તસવીર મૂકવામાં આવી છે એની પર પ્રહાર કરી રહ્યા છો, તો હવે સાંભળી લો કે આ એક પ્રતીકાત્મક તસવીર છે જે એક વ્યક્તિની અંદર રહેલ ટેલેન્ટને, એની અંદર રહેલ પ્રતિભાને ધર્મના નામે મારવાની વાત કરી રહી છે. શું કહેશો આ બાબતે? અરે ભાઈ, મેં આપકો સાફ તોર પર કહે રહા હું, બાર બાર વહીં પે ખેંચ કે આપ આ જા રહે, મેં આપકો ક્લિયર કટ કહે રહા હું. દેખો, ધર્મ કે નામ કે આપ બાત કરતે હો, આપ જાકે કિસી જૈન સે પૂછો કે ભાઈ મેં નોનવેજ ખાના ચાહતા હું, કે આપ મુજે અલાઉ કરોગે? वो आपको मना करेगा यार कि उसके धर्म में नहीं है. आप हमसे पूछ रहे हो म्यूजिक का क्या है, हम कह रहे हैं हमारे धर्म में ये सारी चीजों की इजाजत नहीं है. आप जबरदस्ती मेरे को कह रहे हो, क्या किसी आप उस साधु को बोल सकोगे ए तू धर्म के नाम पे उसको खाने की आजादी छीन रहा है? आप बोलोगे क्या? दिस इज वेयर द हिपोक्रेसी माय डियर ब्रदर, यू शुड अंडरस्टैंड. जैन हो चाहे भी मोटो धर्म छे, क्या ने क्या एक व्यक्ति आगळ वधे छे ने रोकवामां आवे छे ने जे प्रमाणे आ महानुभाव बैठा छे, बे मोढ़ानी वात चोक्कसी થઈ રહી છે. શું કહેશો આપ? supposed to teach me. I know what should I ask and what not. Okay? Yeah, I know very well what you are. I know very well what you are. Yeah, I know very well what you are.